सुपौल जिला मुख्यालय के पिपरा रोड स्थित ममता नर्सिंग होम के समीप सड़क जाम कर मरीजों के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। दरअसल परिजनों ने ममता नर्सिंग होम पर आरोप लगाया है कि लापरवाही और गलत ऑपरेशन करने के कारण ही जच्चा और बच्चा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले नर्सिंग होम में कहिरो निवासी एक मरीज को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन किया गया जिसमें मृत शिशु को बाहर निकाला गया था और उसके बाद प्रसूता की भी स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद सहरसा ले जाया गया, किंतु रास्ते में ही मरीज की मौत हो जाने की बात बताई जा रही है। करीब 3 घंटे बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटवाया गया। हालांकि इस मामले में नर्सिंग होम की जो संचालिका है वो कहती हैं कि ये आरोप बेबुनियाद है। अभी 3 बजे रात में जो है ना, वो बोल दी कि नॉर्मल नहीं हो पाएगा, तब इसको यहाँ लेके आया गया। महिला सब थी साथ में यहाँ। ये सुबह में है, ये ममता नर्सिंग होम है। ये बोली सुबह में कि यहाँ पर जो है ना डॉक्टर मणिभूषण आके इसका ऑपरेशन करेगा, तो उस पर हुआ सब सबको महिला सबको कि भाई डॉक्टर मणिभूषण आएगा तो वो अच्छा, लेकिन डॉक्टर मणिभूषण नहीं आया। अभी किसको मंगा के ऑपरेशन करवा दी, इसका पेट खुलवा दी। हाँ कि बस इसका बच्चादानी आती, बच्चा तो गया ही, पेशेंट तो चला। बच्चा और बच्चे की माँ दोनों डेथ कर गई। दोनों पेशेंट मेरे पास आई, 3 बजे सुबह में आई, हमको जगाई तो हम जगे। हम बोले अभी मैडम नहीं आ सकते हैं, सुबह ही में होगा। तो बोले ठीक है, अपना देखो, हमको नॉर्मल का चांस नहीं है। डॉपलर से देखे तो बच्चा का साउंड नहीं मिल रहा था, तो बोले कि ठीक है आप बच्चा से तो हम संतुष्ट मान लिए है, तो हमको पेशेंट को बचा दीजिए। मैडम को बुलाए, हम ऑपरेशन करवाए, ठीक ठाक रहा। जैसे कि बाथरूम गई, लेटरिन गई, ब्रश की, पेशेंट नाश्ता उस्ता कर ली। पेशेंट वाला बोला हम संतुष्ट नहीं है, हमको और डॉक्टर चाहिए। ठाकुर प्रसाद को बुलाए, नाजिर सर को बुलाए, और जैसे जैसे डॉक्टर को फरमाइश दिया हम बुला के उसको दिखा दिए। बोले नहीं हम बाहर ले जा सकते। हम बोले ठीक है आने दीजिए मैडम को, जो पैसा है हमको हिसाब बारी कर दीजिए, आप ले जा सकते हैं। हुआ कि यहाँ पहले एडमिट कराया गया था, ओकरा बाद ही लोग लेकर के चल गए किसी दूसरे महिला के यहाँ सहरसा। उसी में था, फिर वहाँ से लोगों लोग से नहीं समरा, तो फिर वही बोले जो गलत।